ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਜਗ ਨਿਤ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀਆਂ, ਨੰਗਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮੀ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਚੋਲਿਆਂ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਪੁੱਠੀਆਂ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੂੰ? ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਬੁਲਵਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਠਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਹਮ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, हमारे पेरेंट्स पढ़े क्यों नहीं होते? तुम बताओ, इतने अरसे से निकली नहीं, लाहौर ही आ जाती? क्योंकि मेरा नाम मखतूम कबीर हुसैन शाह नहीं है और ना ही मैं मर्द हूँ कि कहीं भी कभी भी चली जाऊँ। आई एम अ ब्राउन मुस्लिम वुमन हु इज कन्फाइंड टू। हेलो हेलो हेलो, ब्राउन मुस्लिम वुमन, it's not funny, you boring। aur kaise bhai ho tum, na phone uthate ho na message ka jawab dete ho। yeah, mental capacity mein nahi hai ki main jawab dun to kya bolunga। wo to tum kabhi bhi nahi hote hai, aur nahi reason batao yaar। yaar jo wajah hai wohi bataunga, aur kya bataun। aise chhodo, बेजी से मिला है? बीमार है काफी। हाँ, और तुम्हारे लिए काफी उदास भी। खैर उदास तो और भी बहुत से लोग हैं तुम्हारे लिए। ये क्यों कॉल कर रहा है? हेलो हेलो, जोरी भाई कहाँ पे हैं? मैं अपने काम पर जी। क्यों, कैफे में या कहीं और? आपको मेरी लोकेशन चाहिए तो व्हाट्सएप कर दूं? दरअसल मैं बहुत घबराया हूं जोरी भाई। तो भाई जान किसी डॉक्टर को दिखाएं, मैं तो कैफे चलाता हूं ना। ओफो, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, कबीर कबीर अगवा हो गया है। अच्छा, क्या 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 क्या, कब, क्यों, मतलब कैसे? तुम बताओ, कोई नया काम किया है? लोग जान छोड़ोगे तो काम करूंगा ना। कोई बस कर दिया करो, हमसे दूर रह के भी हम ही से शिकायतें हैं। भाई बीबी साईं की मुझे 10 कॉलें आती हैं दिन में, 10 कॉलें। यहाँ छोटी से छोटी बात इस मखदूमगढ़ में लोगों को बाद में पता चलती है और पहले मुझे इतला दी जाती है। क्यों भाई, नहीं है मुझे इंटरेस्ट इन बातों के अंदर ना। तो तुम कौन सा सुन लेते हो? हाँ तुम नहीं सुनता, इसलिए तो मुझे उठवा लिया गया, और वो भी उस परफेक्ट टाइम के अंदर जब मेरा क्रिएटिव ब्लॉक फाइनली खत्म हो रहा था। और बस आगे जी, ठक 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 आ जाए। चाहे यार इसी हो जा, इसी हो जा। क्या तुम हर वक्त इतने गंदे बुरे से मूड में रहते हो? बोरियत नहीं होती? नहीं। हाय कितना दुखी है तू यार, तेरी कहानी पे ना ड्रामा बन सकता है ऐसे। और जैसी एक्टिंग आप लोग करते हैं वैसा तो कोई एक्टर ना कर पाए ना। ये तो है। मैंने देखा कुछ लोग बंदूकें उठा के आए और उसे साह लेंगे। बंदूकें? लेकिन कोई कबीर को अगवा क्यों? आपने गौर से देखा था ना? जी भाई मैंने गौर से देखा था। आपको कंफर्म है? मतलब कोई कैमरा वगैरह लगा हो, कोई रिकॉर्डिंग शूटिंग हो रही हो? अजीब बातें कर रहे हैं आप, मैंने गौर से देखा था, उनके अलावा कोई भी नहीं था गली में। आपने किसी और को इतला दी, पुलिस या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, क्या करूं, पुलिस को बताऊं या नहीं बताऊं? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, आप वहीं रुके, मैं आता हूं फिर बात करते हैं। ओके जी, ठीक है।
वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। कब आए हो तुम? जैसे आपको नहीं पता कब आया। मुझे कुछ बताते हो? कैसे पता चलेगा मुझे? तो आपको नहीं पता कि मैं कब आया हूँ, कैसे आया हूँ? सही तरह से खा भी नहीं रहे हो। तुम्हारे कपड़े क्या हालत बना ली है तुमने? बाबा को बता दीजिएगा किस तरह इंदा बंदे भेज के मुझे वापस बनाने की जरूरत नहीं है। ये पहली दफा हुआ और आखिरी दफा हुआ। घर आ ही गए हो तो आराम से दो घड़ी बैठकर बात कर लेते हैं। तुम्हारी हर चीज वहीं की वहीं है। मैं हर रोज तुम्हारे कमरे में आती हूं, कभी तुम्हारी चीजों को देखकर खुश होती हूं और कभी कभी रोने लगती हूं। फोन क्यों नहीं उठाते हो तुम? मेरा मिलने नहीं आ सकते, बात तो कर ही सकते हो। वो जी बात नहीं बार बार की जा सकती ना। सुन भी नहीं सकते? सुन लिया करो, एक ही बेटा है मेरा। मैं अपने दिल की बात उससे ना करूं तो फिर किससे करूं? आप बीबी से आई हैं और मैं जैसा हूं आपको कबूल नहीं हूं। मुझे नहीं ये समझ आती है आप लोगों की सारी ये दुनियादारी वाली चीजें। अच्छा बताओ क्या खाओगे तुम? कुछ नहीं, जा रहा हूं मैं। रुकोगे नहीं? नहीं, वापस आने का नहीं कह रही, चंद दिन रुकने का कह रही हूं। अपनी मां की इतनी सी बात नहीं मान सकते हो तुम? आप क्यों मुझे बार बार? सिर्फ चंद दिन, तुम्हें जी भर के देखना चाहती हूं। प्रावेसी चांजरिया पहना दो, बिंदिया भी चमका दो, ला 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 ला। जारा पुत्र, मैं अंदर आ जाऊं? आ जाए। ये ले पुत्र। और पुत्र तूने फिक्र नहीं करना, हम सब मिलकर ना तुझे बहुत सारी देंगे वो प्राइवेसी है। परेशान नहीं होना मेरा बच्चा, ठीक है?
उस दिन बुखारी अंकल बता रहे थे कि 70s 80s के लोग सही इनकलाबी टाइप होते थे। हाँ, वो खुद भी तो था, बहुत मशहूर था यूनिवर्सिटी में। अच्छा, तो वो अभी कैसे सिस्टम का हिस्सा बन गए? आई मीन सिस्टम तो वैसा ही है जैसे सिस्टम के वो अगेंस्ट थे। वो कहता है ही वांट्स टू चेंज द सिस्टम। एंड यू बिलीव? नॉट एट ऑल। देखो बेटे, हर शख्स के पास उसका एक नैरेटिव होता है जिसको वो बेचता है, जिसके पास सिंपल और आम को समझने वाला नैरेटिव होता है वो मशहूर हो जाता है। व्हाट डू यू से अबाउट दैट बेटा? आई थिंक आइडियोलॉजी नाम की भी एक चीज होती है जिससे लोग एक्चुअली रिलेट करते हैं, यू नो। It's something that exists, you know. So, it's narrative versus ideology. Exist karti hai. Bilkul exist karti hai. Lekin jawani mein. Yahi to main batane ki koshish kar raha hu. Jab aap jawan hote hain to is tarah ki cheezein bahut excite karti hain aapko. Lekin jab sar par koi na ho and the nearest and the dearest ones need you at that time, आप हालात के हवाले से डिसीजन लेते हैं, नॉट के नजरियात को सामने रखते हैं उस टाइम पे। नो, यू कांट। आई थिंक आई काइंड ऑफ डिसएग्री। वेल बेटा, देयर इज समथिंग कॉल्ड सर्वाइवल। Survival is not something where you just physically are fit and alive. मतलब अपने true self को sacrifice करके अगर आप उस चीज को survival कह रहे हैं तो खैर आपकी मर्जी है, आप ही तो समझे। मैंने क्या समझना है बेटे, समझना तो तुमने है। तुम तो ऐसे ही बैठे बैठे स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देते रहते हो। गॉट टू अंडरस्टैंड लाइफ, व्हाट कैन आई से। आई थिंक वी ऑल नीड अ ब्रेक। बेटा कुछ वक्त निकालो, कहीं चलते हैं। वो अभी चाय के बाद यहाँ से जाने का सोच रहा है और आप वेकेशंस प्लान कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? Yeah, not a bad idea. कहाँ जाने का सोचा आपने? इसी से पूछते हैं। हाँ बेटा बताओ। अरे तुम तो एकदम से उठ गए, बताओ ना बेटा। बीबी साई बस हो गया ना, प्लीज। What is with this attitude? What are you trying to prove? I'm not trying to prove anything. You haven't seen enough to prove something, बेटा। You got to experience. For God's sake. Just let me live
माय लाइफ. मैंने जिंदगी को समझा है, तुमने भी जिंदगी को समझा नहीं है बेटा. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. क्या करूं मैं इसके साथ? क्या हुआ है? कोई मुंह से कुछ बोलेगा? नहीं, वो बोलना नहीं है ना, आपको प्राइवेसी जो देनी है. पुत्र, प्राइवेसी, 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 प्राइवेसी. मुझे लगता है मेरा पेट भर गया है. सोने जा रही हूँ. ऑफिसर है आपको प्राइवेसी से भीड़ और आप दे ले उसको प्राइवेसियां. वो तेरे लवे मौड़ा वो एटी पूरी हिचकी केड़ा ठुंगे मारने वाला कुकड़ खा बैठे तू. हाँ साहब, मुझे हिचकी लगी जाती है. हिचकी लगती है? आप तू छुड़ छुड़ करके रहता पी रहे थे और प्राच कट खा के कीरा खा रहे थे, ऐसे खाते हैं? ओ यार, को अकल में हाथ मारो तू. तो बिल्कुल यार की हो गया, यार हो गया ऐसा. मतलब गाली भी कर रहे थे. बस कर दो, मुझे भी प्राइवेसी चाहिए. आपको पता है कल्चरल शॉक किसे कहते हैं? ऐसे समझें कि आप एक मोटरसाइकिल पर हैं और ये सीधा जाते जाते आप ट्रेन में बच गए. अब क्या हुआ, क्या बचा? कखवी नहीं, ना ट्रेन का. छड़ चगड़ ते करिए प्यार. हाँ जोरी, क्या हाल है यार? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. वो एक ही पीस में वापस आ गया हूँ. मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि तुझे फोन किया था तू बदतमीजी करेगा. वो मालिक मकान ने मुझे बताया था कि तू काफी जरा परेशान है. मेरे दोस्त के हाँ एक असल में यार इमरजेंसी हो गई थी तो इसलिए उधर जाना पड़ा था. तो वो जो गार्ड वार्ड थे ना वो उसी के थे सारे. सो डोंट वरी अबाउट इट, स्ट्रेस ना ले. एक बात बताऊँ, तू जितना भी घटिया आदमी है दोस्त बहुत अच्छा है. खैर शाम में मुलाकात होती है. बाय. फिटे मुंह है तेरी तारीफ पे भी. वैसे राजू वो तेरा ध्यान किधर है? सही तो बाहर ही रहा तू. खान साहब, जिंदगी का मजा ही नहीं आ रहा. क्यों उधर ज्यादा गौर से शीशा देख बैठे हो? नहीं, वो कहते हैं ना जो बात जमहूरियत में है ना वो आमरियत में नहीं है. वो तो ठीक तो है. आज खराब रेडियो की तरह वक्रे वक्रे चैनल ही पकड़ रहे हो. खान साहब, आपने भी तो पूरे कार में जो है ना वो माशाल्लाह ही लगा दी है. खुश रहने पे, हंसने खेलने पे सारी पाबंदियाँ हैं. वो तू क्यों बकवास कर रहा है? किसी और को तो कोई मसला नहीं है. हर आमर को यही लगता है कि अवाम उसके साथ है, लेकिन असल में सब चुप हैं. तू अपना बता, तुझे क्या तकलीफ है? खान साहब, ये जो प्राइवेसी है ना ये जान का अजाब बन गई है. ये भी कोई जिंदगी है, हर वक्त डर डर के रहो. बस हर वक्त यही होता है. आवाम की बात का जवाब ही नहीं दिया जाता, बस हुक्म दे देते हैं पैर दबाओ. लेकिन खान साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो निज़ाम है ना ये ज़्यादा अरसे तक नहीं चलना. तू अपनी ज़ुबान भी ज़्यादा ना चला. इतना तो खान फैमिली का नैनसन मंडेला.
जी मामी, वो माजरत बेटा, मुझे तुमसे पूछे बगैर तुम्हारी अलमारी नहीं खोलनी चाहिए थी, लेकिन वो कपड़े धोने के लिए लेकर गई थी। Didn't have to do this, यार, मतलब क्या जरूरत थी इसकी? नहीं नहीं बेटा, जरूरत क्यों नहीं थी, जब मैं सबके धो सकती हूँ तो ये भी धो दिया करूंगी मैं। हाँ ठीक है, लेकिन मेरे लिए ये काम करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही नहीं है बेटा, इतनी मुश्किल पढ़ाई है तेरी, तुझे कहाँ टाइम मिलेगा खुद कपड़े धोने के लिए? तो फिक्र ना कर, तेरे मैं धो दिया करूंगी। मामी मैंने अपने सारे काम बचपन से खुद किए हैं यार, छोड़ दे, मत फिक्र किया कर। मैंने आपको कहा है ना, छोड़ दे काम, मैं कर लूंगी। नहीं नहीं पुत्र, मैं सारे काम खुद ही करती हूँ, तेरे फिक्के मामे के भी मैं काम सारे खुद करती हूँ। अरे उनकी तो शक्ल पे लिखा है ना कि उनके काम खुद करेगा, मेरी शक्ल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, देखे। नहीं नहीं पुत्र, इतनी मुश्किल पढ़ाई करने तुझे जाना, सारा दिन खपरा है मेरा बच्चा, तू जा मैं कर लूंगी, जा जा मिला बच्चा। अच्छा ठीक है फिर, वो थैंक यू, और बस फिर थैंक यू ये। थैंक यू। हाय हाय हाय, क्या बड़ी दुनिया थे पग साहब। हाँ जी, ऐसी सोनी बात करते थे, अकॉर्डियन भी पूरी दुनिया में नंबर वन बजाया है जी। सुभान, और बात भी ऐसी बारीक। एक दफा मैं पग साहब के घर गया हुआ था, तो बेटा उनका अंदर से ऊंची आवाज में गाना गा रहा था। अच्छा। हम बाहर बैठ के चाय पी रहे थे, पाग साहब को गुस्सा चढ़ गया, मुसुरा गा रहा था। आवाज मारी मुंडे को, इधर बाहर आए ना। अच्छा। वो मुंडा बाहर आया, कहने लगे पुत्र क्या कर रहे थे? कहते अब्बा जी मैं A.R. रहमान की तर्ज में गाना एडिट कर रहा था। अच्छा। कहते है ना पुत्र, वो A.R. रहमान है, तुम डीओजी डॉग हो। क्या करे अब्बा जी, क्या करे, तू डीओजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजा। हाँ आजा बेटा। तुम ना इधर की और ना उधर की, तो डगर न रहा मेरी पकड़ किधर की। डर किसी का नहीं, अपना ही डर है कि खबर नहीं है मुझे अपने सबर की। ना इधर की और ना उधर की, तो डगर न रहा मेरी पकड़ किधर की। डर किसी का नहीं, अपना ही डर है कि खबर नहीं है मुझे अपने सबर। तू जाग 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 जाग, और रुकना नहीं, बस भाग 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 भाग, पीछे मुड़ना नहीं, तू जाग जाग। मन अपने से जाने की फर्क, जे मैं छड़ता कार है, उड़ फलक तक रब ते ईमान है। मंगन जो मेरे अग दा हिसाब है, बिगद मेरे दौलत वाले मारे, सहंदा दिल मेरा जोर भी कुछ है, मेरा दुख सहन दे तो कुछ ना वाला, जिंदड़ी रू दस दे नी कुछ ना वाला। कुछ यूं लफड़े लफाड़े कुछ ना वाला नी बंदू नी सोनी है सोनी है सोनी है। जी कड़क मन अपने से जाने की फर्क, जे मैं छड़ता कार है, उड़ फलक तक रब ते ईमान है, एक झलक मन। ओ सलीम पुत्र, और जारा को कितने बजे लेने जाना है? शाम का कहा है, फोन करेगी। अच्छा
चल पुत्र तेरा रक्षा निकाल, उधर काले खां को देखने जाना है, बीमार है बीमार। अब्बा जी अभी इतनी दूर से रिक्शा चल गया है, थोड़ी देर तो साह लेने दे उसको। बेटा फिक्र न कर, रक्षा निकाल। ठीक है फिर, पेट्रोल भी आप ही डलवाएंगे। अरे काका तुम्हारे बुढ़े रक्शे में भी अगर मैंने ही पेट्रोल डलवाना है तो मैं बाहर से कोई जवान रक्शा ना ले लूँ जिसमें हीरोइनों की फोटो भी लगी होती है। खान साहब ऐसे मेरा भी यही मशवरा है। मेरा रिक्शा कौन सा दुआओं से चलता है, उसमें भी तो तेल ही डलता है ना। नहीं तो तुम्हें रक्शे में इतनी कमाई भी नहीं होती कि उसमें पेट्रोल डलवा लो। जारा को रोज यूनिवर्सिटी छोड़ता हूँ, नहीं हो रहा खर्चा पूरा। वो तो खर्चा बढ़ गया है तो काम बढ़ाओ, क्यों घर में लम्बे पड़े रहते हो। अब्बा जी रक्षा है, इतनी कमाई होनी है, और अगर कमाई हो भी रही होती ना तो आपने कोई और बात पकड़ लेनी थी। और छोड़े खान साहब खैर है, कैसा शोक है, चलो खुद ही चले जाते हैं, इसके साथ जाके ब्लड प्रेशर ही बढ़ा लो। ठीक है तुसी पैसे नहीं देने, तेल दे ना दियो, लेकिन इन्नी गल्ला भी ना सुनाया करो। ओ क्या गल सुना दिया तुम्हें, और ना मुरादा काम क्यों नहीं करते, घर में रहते हो तो पुत्र अखराजात में भी हिस्सा डाल दो। छोड़े खान साहब कोई गल नहीं। की फट बैठा मैं छोड़े खान साहब, ना मुरादो आज मैं हूँ कल नहीं, मेरे बाद क्या करोगे। हद तो गई है पुत्र, अपना नहीं तो दूसरों का तो सोचो ना। कुड़ की होया खान साहब, आपने कहा कि आपके बाद दूसरों का ख्याल करें, आपको मेरा इतना ख्याल है। परे दफा हो, शिगिर्द बन मेरे बच्चियां दी अम्मी ना बन, कैसा पौरा ना मुराद। सलीम जी जानू इधर तो देखे ना मित्र, मुझसे क्या नाराजगी, मुझसे तो बात करे ना। तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, बस बात करने का दिल नहीं कर रहा। अच्छा अब्बा जी तो ऐसी बातें करते ही रहते हैं, बाप जो बाप है तो क्या बेइज्जत करते रहेंगे। जब से होश संभाला है मुझे, मैंने सिर्फ उनके ताने ही सुने, कभी उन्होंने बैठ के हमारे मसले सुनने की कोशिश की है। इधर आओ इधर, छोड़ो इन बातों, क्या रखा है इन बातों में, नहीं सुनते कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपकी सारी बातें सुनने के लिए हमेशा आपके साथ। सारा वक्त ताने, जब से वो जारा आई है उसका आना जाना सारे काम मैं ही करता हूँ ना, और वैसे भी जो कमाता हूँ गाड़ी लेके आता हूँ, मेरा कौन सा कोई जाती अकाउंट है। पता नहीं अब्बा जी को मेरे से वैसे ही कोई मसला है, हर चीज में पायन को आगे और मुझे सौतेलों जैसा सलूक करते हैं। नहीं, अब्बा जी बहुत प्यार करते हैं आपसे। हाँ ठंडे दिमाग से सोचो, हमें भी तो अपनी आमदन बढ़ानी होगी ना, कब तक हम इस एक कमरे में रहेंगे। हमारा दानिश भी बड़ा हो रहा है, कल को उसकी भी शादी होनी है, उसकी भी मोटी आएगी। जहरा की प्राइवेसी वाली बात बिल्कुल ठीक है, आज नहीं तो कल हमें ज़्यादा पैसे चाहिए। तो क्या करूँ आफरी, रिक्शा चला चला के मेरे तो आते ही होंगे। जैसे भी हैं मेरे हैं, आपने फिक्र नहीं करनी। अच्छा मैं आपके साथ हूँ, हम मिलके कर लेंगे कुछ। कैसे? क्या कैसे? कैसे मिल गई तुम मुझे? अच्छा अब ये भी याद नहीं कैसे मिली थी मैं है? तो बताए जरा, पहली बार कहाँ मिले थे हम? कौन? मुझे याद है आपने लाल रंग की शर्ट पहनी हुई थी, सीधी मेरी आप पे नजर गई थी। राजू हाँ जी। खान साहब पुत्र चुहारे कितने डाले हैं? खान साहब दो। एक और छोटे पुत्र? खान साहब उसमें दो लिखे हुए थे। वो पुत्र उसका मेरा है या तेरा है? एक और डाल मेरे पुत्र। जी खान साहब। खान साहब ये रगड़े बगैर ही खा लें, रगड़ने से कौन सी तासीर बढ़ जानी है इनकी? वो पुत्र हर चीज़ का वो फायदा होता है, वो असूल होता है, जिस तरह गाड़ी में बैठे राग होता है, जो शेर में वजन होता है, जिस तरह नुस्खा भी जो है इसका भी कोई असूल है ना पुत्र, ऐसे तो फायदा ही नहीं होता। हाँ सर वैसे ये नुस्खा आपको दिया किसने था? मेरा किसने है पुत्र? पाकिस्तान है, इधर मेरी उम्र में पहुँच के सारे के सारे की वो हो जाते हैं। हाँ साहब एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ ये जारा जो है हमसे खुश क्यों नहीं होती? तुम्हें किसने कहा खुश नहीं है? रहने दे खान साहब,
हम सब उसके लिए कितना कुछ करते हैं पर वो राजी नहीं होती। वो सर वो रहा घर है ना, रहा वल है, रहा शहर है, इसलिए रहा और कोई नहीं हुआ। हाँ लेकिन हमसे हमेशा तंग क्यों रहती है? अब उस दिन भी यूनिवर्सिटी जब आप गए हैं तो आपकी कितनी इज्जत हुई, आय आय आय, आपकी वजह से सारा काम बैठे बिठाए हो गया, पर वहाँ भी ज़ारा हमसे तंग ही बैठी हुई थी। शर्मिंदा हो गई जरा। किस चीज़ की शर्मिंदगी खान साहब? वो हमारे साथ तल्लुक की वजह से, आप जो साथ थे तो उसे नहीं जरा। लो जी खान साहब, हमारे साथ होने से भला उसे क्या मसला होगा, बल्कि आपकी वजह से तो वो यूनिवर्सिटी के हेडमास्टर जो कर दे यार। ये जितने भी यूनिवर्सिटी वाले हैं ना, ये कॉलेज वाले, ये दांतों के शहरी वाले, ये पुलिस उतारे वाले लोग, ये हमारे काम से खुश तो होते हैं, और यहाँ पर ये बराबर दिन सभी थे। हाँ ये तो पुत्र आवे से तो बस आते या कुछ करते हैं, मगर ये वो अभी इज्जतदार नहीं सभी थी। वो खान साहब ये पुराने वक्तों की बातें हैं, अब तो ये सारी चीज़ें स्कूल में पढ़ाते हैं, अमीर लोग खुद करते हैं ये। वह आओ पुत्र वो जेंट्री है। ओ खान साहब जेंट्री से क्या फ़र्क पड़ता है? वो बड़ा फर्क पड़ता है पुत्र, ये जो हमें बांट कहते हैं ना, चौथबाज कहते हैं, गारे बजारे वाले कहते हैं, ये सारे काम जब ये खुद करते हैं ना तो इनको टैलेंट कह देते हैं, टैलेंट टैलेंटेड है। अब ये पुत्र बात से बात प्यार दे पुत्र गुलाब आज रहा है, ये पुत्र यहाँ पे तुम्हारे लिए इज्जत का मुकाम कुछ और है, मेरे लिए और है, उनके लिए और है। यार दे यार दिन भी ले आ गए, सारी जिंदगी का पड़ा बैठा हुआ था निकाल रहा है, झाड़ दे चार दे अभी फनकार वो छुपे थे ऐसे बंदूर फनकार आर्टिस्ट सुहारे के थे के खान साहब तीन छोटे को और खान साहब बहुत गर्म हो जाएगी। वो डर दे यार दे लग रहा कर दे तो बस छोटे और मिठिया और मोखली दे फड़ा उतर। जी भाई बुजुर्ग कहा करते थे कि जो एक से ज्यादा बीवियां कर लेना उसकी एक भी नहीं रहती है। बाजी क्यों? वो इस वास्ते पुत्र कि वो एक कोल जाए तो दूजी कहती है वो आया उस माँ की तरफ से, पहली वाली जाए तो दूसरी कहती है वो आया उस माँ की तरफ से, दोवे ही मावा बन गई है ना। वाह वाह भाई वाह 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 इशू क्या आप लोगों का? तो तुम्हें खुद ही चाहिए थी प्राइवेसी। इस घर में नॉर्मल लोगों की तरह नहीं रह सकते आप लोग। तुमने कभी इन लोगों को नॉर्मल समझा है? नहीं, एक मिनट प्लीज, मुझे जेन्युइनली पता करना है कि आप लोग कर क्या रहे हैं, मतलब चल क्या रहा है। रोज नया तमाशा, ये चिड़िया घर है। तुम्हारे लिए कर रहे हो वो सर? मेरे लिए? मेरे लिए कर रहे ना, तो भाई साहब आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मत करें। ये प्राइवेसी के नाम पे जो ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं ना, इससे मेरी टेंशन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। पुत्र सोच बता बेटा, तू कैसे राजी होगी? मत करें ना मुझे राजी, छोड़े। आप लोग ऐसे सोचे कि मैं यहां हो ही नहीं, इग्नोर करें, दैट शुडन्ट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, इन फैक्ट स्पेशली फॉर यू। बोलो
कुछ मुड़ना नहीं, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।